नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं वृष राशि का वार्षिक भविष्यफल 2018। भविष्यफल बताने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ग्रह स्थिति क्या है? जब हम ग्रह स्थिति को समझते हैं तो हमको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हम बात करेंगे प्रोफेशन की, कैरियर की, जॉब की। और अगर हम जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो ग्रह स्थिति आकाश में कैसी रहेगी, इसकी हम बात करते हैं। बृहस्पति जो है आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा इस पूरे दौरान, और शनि अष्टम भाव में रहेगा, राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा, और बाकी ग्रह अपनी स्थिति से बनते आगे पीछे बढ़ते रहेंगे। तो प्रमुख ग्रह जो है, चार ग्रह जिनकी मैंने बात की, उसमें से दो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। बृहस्पति छठे भाव में है, बहुत अच्छा नहीं होता, इसकी अपनी असुविधाएं होती हैं। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको बहुत सहूलियत प्राप्त होगी, आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे और प्रमोशन भी हो सकता है, और जॉब में है तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे दौरान में राहु के तृतीय होने से आपका जो जोश है वो बड़ा बुलंद रहेगा, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, आप हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखेंगे, और यह बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्थिति में अपने आप को संभाल सकता है, संतुलन रख सकता है, बैलेंस रख सकता है, तो वो उस स्थिति का मुकाबला भी कर सकता है। इस दौरान में शुक्र जो आपकी राशिपति है, राशि का लॉर्ड है, वो आपको मदद करता रहेगा। तो जनवरी का महीना थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन 15 फरवरी के बाद स्थितियां आपकी काफ़ी पक्ष में रहेंगी और इसी तर्ज पर मार्च और अप्रैल निकल जाएंगे। अगर हम बात करें मई से लेकर और अगस्त तक की, तो यहाँ पर स्थितियाँ पहले से बेहतर होने लगेंगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, और अगर आप सरकार या किसी वित्त संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, या किसी नई एसोसिएशन या पार्टनरशिप में जाने का विचार बना रहे हैं, तो इस दिशा में आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी, नए लोग मिलेंगे। और अगर आप किसी विदेश में कोलैबोरेशन करने के मूड में हैं, या इस तरह का कोई वार्तालाप चल रहा है, आपका बातचीत हो रही है, तो उसके पूर्ण होने की पूरी पूरी संभावना है। यह एक स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन स्ट्रगल से रास्ता निकलेगा, और अगर स्ट्रगल से रास्ता निकले तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसी दौरान में क्या होगा कि मंगल जो है मकर में आकर 3 मई को मकर में आ जाएगा, और वहाँ वो मकर में अगले 6 महीने रहने वाला है। जनरली मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है, 45 डेज, लेकिन यहाँ पर वक्री होने के कारण काफ़ी लंबा चलेगा, और 28 जून को वो इसी राशि में मकर में वक्री होगा, और फिर ये चीज़ उसकी 28 अगस्त तक चलेगी। तो इस पूरे दौरान में आपको एक अलग से ऐसा माहौल बनेगा, कुछ लोग मिलेंगे, मित्र मदद करेंगे, नए शुभचिंतक मिलेंगे, तो वो आपके व्यापार में, बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में मदद प्रदान करेंगे। और अगर आप कोई कंपटीशन या एग्ज़ाम से नौकरी आदि की तलाश में हैं, या कोई टेंडर आपने भरा हुआ है, या और कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं सेप्टेम्बर से लेकर दिसंबर के मध्य की, तो यहाँ पर अक्टूबर आते आते बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से निकल के, छठे भाव से निकल के 7th हाउस में आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इधर मंगल भी आगे चलना शुरू कर देगा। तो ग्रह स्थिति अगर हम आकाश में देखें तो काफ़ी पक्ष में आ जाएगी, तो यहाँ आपके आत्मविश्वास में बड़ी ज़बरदस्त वृद्धि होगी, और आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को लेना चाहेंगे, और चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, और चुनौतियाँ जो हैं उनको वो आपके लिए अवसर बन जाएंगी। आपकी जो चैलेंजेस हैं दे विल टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज़, या आप ऐसा सोचेंगे कि इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए,
तो यह एक आपका समय है जो 4 महीने हैं और वर्ष का जो उत्तरार्ध रहेगा, उत्तरार्ध का भी उत्तरार्ध कैसा कह सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। देश विदेश में अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो आपके खिलाफ है, विरोध में थे या ऑब्स्टिकल्स थे, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप कॉम्पीट करके किसी बिजनेस को या एंटरप्रेन्योर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। और जो आपके सबॉर्डिनेट रहेंगे, कलीग्स रहेंगे, उनसे भी आपका जमेगा और एक नया माहौल बनेगा। इस सिलसिले में कार्यवश यात्राएं करना पड़ेंगी और ये यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब हम बात करते हैं परिवार, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह और स्वास्थ्य, इन सब की हम बात करते हैं। अगर इन सबको हम एक एक करके बात करने का प्रयास करें तो जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार में कुल मिलाकर तो माहौल ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी देखने को मिलेगा। और स्पेशली जनवरी से लेकर अप्रैल के माह के मध्य में, इस दौरान में परिवार में कुछ ऐसे मसले खड़े हो सकते हैं जो अगर समय रहते उनको सुलटाया नहीं गया, उनको सॉल्व नहीं किया गया, तो आपसी मन मुटाव हो सकता है। तो इस बात पर निस्संदेह ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप जो भी जिम्मेदारी आपकी परिवार में है, जो भी आपका वर्चस्व है, पद है, कोई छोटा होता है घर में, कोई बड़ा होता है, ये भी पद होता है ना, तो उसके अनुरूप अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा संतुलन लाएंगे या फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो वो परिवार की शांति बढ़ाने में अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष अच्छा है, लेकिन अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं या बच्चों के मामले में या बुज़ुर्ग हैं, तब थोड़ा आपको जनवरी और फरवरी के मंथ में हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए पहले के जो माह हैं, 4 माह जनवरी से लेके और अप्रैल तक, बहुत ज़्यादा माकूल नहीं है। अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी आपको ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। वो हो सकता है ये आपका प्रेम संबंध एकदम विवाह में परिणत ना हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस तरह आप करेंगे तो ये 4 महीने निकल जाएंगे तो स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी। अप्रैल के बाद मई से मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी कुंडली से। जैसे ही मंगल सुधरेगा, मकर में जाएगा, उच्चिका हो जाएगा, तो वहाँ वो 6 महीने रहने वाला है और वहाँ पर उसका केतु से योग बनेगा और वो राहु को देखेगा, तो उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप मुश्किलों से निकलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह एक समय है जो परिवार में सुख समृद्धि को बताता है। इस दौरान आप वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, इस तरह के योग बन रहे, इसकी भी स्थितियाँ बन रही हैं। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और एक मनोकूल वातावरण निर्मित होगा। और अगर आप विवाह की दहलीज पर खड़े हैं या परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह का इश्यू चल रहा है, तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में विवाह होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग है तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में अगर उसे आप अमल में लाना चाहेंगे, अमली जामा पहनाना चाहेंगे, तो उसमें आपको निस्संदेह सफलता मिलेगी। तो इस तरह से पारिवारिक इश्यूज़ पर थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन आप अपनी हिम्मत से अपने पक्ष में इसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस की, प्रॉपर्टी की, यात्रा की और देश विदेश की। फाइनेंस की दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मेहनत से काफ़ी कमाया जा सकता है। बृहस्पति छठे भाव में होता है तो आदमी अपने प्रयत्नों से, अपने रोजगार से, अपनी मेहनत से अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। लेकिन भाग्य के सहयोग से एकदम से छप्पड़ फाड़ के कुछ ऐसा मिले, उसकी संभावना से हम इनकार करते हैं। और यह भी खास तौर से इस वर्ष के पूर्वार्ध में आर्थिक स्थिति ओके रहेगी, ख़राब बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है और इसका योग मई के बाद शुरू होता है। मई के बाद अगर आप चाहेंगे प्रॉपर्टी खरीदना तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई उलझन चल रही है आपस में पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर, तो इसे अपनी सहमति से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और
इस वर्ष का जो सेकेंड हाफ रहेगा, जब मंगल की स्थिति आपकी राशि से बहुत नवम भाव में मंगल रहेगा, उच्च का रहेगा और उसमें वो 6 महीने रहने वाला है, तो मंगल आपकी कुंडली को काफ़ी बल देगा। बाकी शनि उतना अच्छा नहीं है अष्टम में, ना ही गुरु उतना अच्छा है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं सूर्य या शुक्र या बुध की हम बात करें, जितने छोटे ग्रह जो 1-1.5 महीने में बदल जाते हैं, वो ग्रह अधिकतर उत्तरार्ध में काफ़ी अच्छे रहेंगे, तो वो आपके फाइनेंस का कंट्रोल रखेंगे, फाइनेंस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात के लिए आपको सावधान करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज है या सट्टा बाजार है या ऐसे काम जिसमें इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके करने से हानि हो सकती है, तो थोड़ा धन की दृष्टि से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं रुकावटें, झंझट, झगड़े, वाद विवाद या कोर्ट केसेस, क्योंकि यह भी स्थिति हमारे साथ चलती ही रहती है जीवन में। तो कई बार क्या होता है कि हमारा दुश्मन कोई और होता है और कई बार हम अपने दुश्मन खुद होते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचिएगा। हमारा आशय यह है कि रिस्क लेने से, जोखिम उठाने से आपको हानि हो सकती है, ऐसी जगहों पर बोलना या वाद विवाद में पड़ना, आर्गुमेंटेटिव होना अच्छा नहीं है, जिसके प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हों और अपनी स्थिति को भांपने के बाद ही करना चाहिए। और अगर कोई कोर्ट केस चलता है तो उसमें हो सकता है, अगर प्रॉपर्टी को लेकर है, हो सकता है आपके मनमाफिक ना हो, लेकिन अगर इसका परिणाम वर्ष के उत्तरार्ध में आता है तब स्थितियाँ आपके पक्ष में आ जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों के लिए जनवरी का महीना और बुज़ुर्गों के लिए मार्च और आपके लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इन दिनों में खान पान का ध्यान रखें। और जो लोग क्रॉनिक पेशेंट हैं घर में या जो बुज़ुर्ग हैं या इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। मिक्स ये रहे, लेकिन ये भी एक चैलेंज है, और जब चैलेंजेस होते हैं जीवन में तो वहीं से अपॉर्चुनिटी आती है। इस एंगल से सोचेंगे तो फिर आपको, आपका मनोबल बढ़ेगा और स्थितियों को आप बहुत आसानी से पार भी कर लेंगे।